तन्हा नहीं छोड़ता, दिल बचा दिल कभी भी नहीं तोड़ता, जब दुखों में कोई भी न हम दर्द हो, अपने बंदे से रिश्ता है वो जोड़ता। माशाल्लाह दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग तंदुरुस्त होंगे और खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, अल्लाह के फजल करम से शिहाब भाई की वो घड़ी दोस्तों अब आ चुकी है जिसका शिहाब भाई को और आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, शिहाब भाई अपने मक्का शरीफ की जियारत करने के लिए आज निकले या नहीं निकले, और शिहाब भाई को दोस्तों जो हज का वीजा है वो मिला या नहीं मिला, सब लोकेशन सब जानकारी A to Z आज की वीडियो में आपको जानने को मिलने वाली है। और उसी के हवाले से दोस्तों, शिहाब भाई का बहुत ही खूबसूरत वीडियो आया है मक्का शरीफ से, वो वीडियो भी दोस्तों आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। और माशाल्लाह दोस्तों, शिहाब भाई के बाद भी हम आपको इस चैनल पर बहुत ही प्यारे प्यारे वीडियो दिखाते रहेंगे, और जो हमारे दूसरे भाई हैं नौशाद भाई, उनका भी आज तक का पूरा पक्का सच्चा लाइव लोकेशन देते रहेंगे, इसलिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह के शिहाब भाई का जो मुबारक सफर था वो मुकम्मल हो चुका है, और शिहाब भाई दोस्तों मक्का शरीफ में एंटर भी हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, शिहाब भाई जब वहां पर एंटर हुए तो शिहाब भाई को दोस्तों पता चला कि शिहाब भाई को अल्हम्दुलिल्लाह जो आज का वीजा है वो भी लेना होगा। आपको बता दूं दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह के शिहाब भाई का ये जो मुबारक सफर है वो मुकम्मल होकर मक्का शरीफ में एंटर हो चुका है, और शिहाब भाई दोस्तों मक्का शरीफ में एंटर होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस मुबारक सफर को पूरा करने के लिए हज के वीजे को लेने गए। तो शिहाब भाई को दोस्तों ये जो हज का वीजा था वो अभी नहीं मिल रहा है। उसी के हवाले से मैं आपको बता दूं दोस्तों कि शिहाब भाई जहां पर रुके हुए थे आज मीना कॉलोनी में, शिहाब भाई दोस्तों वहां से अपने इस मुबारक सफर को रवाना करा, और मीना कॉलोनी से निकलने के बाद दोस्तों शिहाब भाई सऊदी के जो बड़े शेख हैं उनके घर पर पहुंचे। वहां पहुंचकर दोस्तों शिहाब भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने वीजे की बात बताई, तो दोस्तों वहां के जो सऊदी के शेख हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सब शिहाब भाई के सपोर्ट में है, शिहाब भाई को सपोर्ट कर रहे हैं कि शिहाब भाई को जल्दी से जल्दी जो आज का वीजा है वो मिल जाए और शिहाब भाई अपने 2023 के हज में मुकम्मल हो जाए। तो अल्लाह के फजल करम से दोस्तों शिहाब भाई ने वहां पर डिनर भी करा, उसका दोस्तों मुबारक वीडियो भी आया है, वो वीडियो दोस्तों सबसे पहले आप देखिएगा। चला दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देख ही लिया कि दोस्तों शिहाब भाई इन बड़े शेख के घर पर डिनर कर रहे हैं, और डिनर करने के बाद दोस्तों शिहाब भाई फिर दोबारा मीना कॉलोनी में पहुंच चुके हैं। शिहाब भाई का आज का जो करंट लाइव लोकेशन है वो मीना कॉलोनी में, क्योंकि दोस्तों जो भी आज के अरकान होते हैं और जो आज का वीजे की अनुमति होती है वो सब मीना कॉलोनी में ली जाती है, इसलिए शिहाब भाई दोस्तों वहां पर एक इंडियन परिवार के घर पर रुके हुए हैं। इंशाल्लाह दोस्तों शिहाब भाई को आज शाम तक या सुबह तक जो वीजा है वो मिल जाएगा, और शिहाब भाई अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस मुबारक सफर को मक्का शरीफ की जियारत के लिए रवाना कर देंगे। तो आप लोग अल्लाह की बारगाह में दुआएं करके उनके वीजा जल्दी से जल्दी मिल जाए। उसी के साथ दोस्तों जो हमारे नौशाद भाई भी हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी गुड़गांव से होते हुए दिल्ली पहुंचने वाले हैं, और उनका जो ये सफर है वो भी मुबारक तरीके से जारी है। वो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों दिन में 40 से 50 किलोमीटर का सफर रवाना कर रहे हैं, अल्लाह नौशाद भाई के सफर को भी आसान करे। तो आप लोग दोस्तों उनके हवाले से भी दुआएं करें। हम आप लोगों को शिहाब भाई का और नौशाद भाई का आज तक का पूरा पक्का सच्चा लाइव लोकेशन इसी तरह देते रहेंगे, इसलिए दोस्तों आप लोग कहीं ना जाएं और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए दोस्तों नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं शिहाब भाई के अगले बिग अपडेट के साथ।